नमस्कार साथियों, आज टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंस रखने वाले हैं राजस्थान के, जो हर पेपर में पटवार में रिट में काम आएंगे। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। तो राजस्थान के जो 25 क्वेश्चन होंगे रोज की क्लास में होंगे भी, हाँ राजस्थान के, और 25 इम्पोर्टेंट रखने वाले क्वेश्चन है। तो आपको देखिए उनमें से कितने आते हैं, कितने सही किया आपने, और कौन से जो आपने कभी भी नहीं सुने। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक, भीलों का सवा माह तक चलने वाला नृत्य, भीलों का सवा माह तक चलने वाला नृत्य, भीलों का सवा माह तक चलने वाला नृत्य, हाँ भीलों का सवा माह तक चलने वाला नृत्य, तो ये कौन सा भी, हाँ ये नृत्य गौरी नृत्य, गौरी नृत्य है, वो सवा माह तक चलता है भीलों का, तो इसको गौरी नृत्य कहा जाता है। नृत्य नाटिका भी है और इसको राई नृत्य भी कहा जाता है। गौरी नृत्य को क्या कहते हैं, राई नृत्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दो, खेल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, खेल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, खेल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, हाँ तो ये कहां पे भी, झुंझुनू में, लिख लेना। खेल विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है, झुंझुनू में स्थित है ये, हाँ खेल विश्वविद्यालय है झुंझुनू में। क्वेश्चन नंबर तीन, राजस्थान में ग्रामीण पेयजल और फ्लोराइड निराकरण परियोजना, राजस्थान में ग्रामीण पेयजल और फ्लोराइड निराकरण परियोजना किस जिले में शुरू की गई है। क्वेश्चन वापस सुन लो, राजस्थान में ग्रामीण पेयजल और फ्लोराइड निराकरण परियोजना किस जिले में शुरू की गई है, हाँ तो फ्लोराइड परियोजना किस जिले में शुरू की गई है भी, ये तो इसका आंसर होगा नागौर जिले में शुरू की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार, किस जनजाति के गांव को ढाणी कहा जाता है, किस जनजाति के गांव को ढाणी कहा जाता है, ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके गांव को ढाणी कहा जाता है, तो कौन सी जनजाति है भी, मीणा, लिख लीजिए, मीणा जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है, ढाणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है, हाँ तो आंसर लिखिए इसका, डूंगरपुर जिला, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है, डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, हाँ तो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा भी, आंसर लिखिए तेजाजी पशु मेला, और ये कहां लगता है, पर्वत सर नागौर। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है तेजाजी पशु मेला, जो पर्वत सर नागौर में लगता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात, लिखिए गोगाजी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आंसर लिखिए इसका, सर्प, गोगाजी का प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प। क्वेश्चन नंबर आठ, पीढ़ी दर पीढ़ी मालिक की सेवा करना क्या कहलाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी मालिक की सेवा करना क्या कहलाता है, हाँ तो आंसर लिखिए इसका,
पीढ़ी दर पीढ़ी मालिक की सेवा करना क्या कहलाता भाई? सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा, पीढ़ी दर पीढ़ी मालिक की सेवा करना क्या कहलाता है? सागड़ी प्रथा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सांकड़ा बांध। सांकड़ा बांध, क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए भी, सांकड़ा बांध, सांकड़ा, सांकड़ा बांध किस जिले में है? सांकड़ा बांध किस जिले में है? सांकड़ा बांध किस जिले में है? तो आंसर लिखिए इसका, सांकड़ा बांध है अलवर में। सांकड़ा बांध है वो कहां पे? अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकाई, लोकाई, क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकाई शब्द आदिवासियों में किससे संबंधित है? लोकाई शब्द आदिवासियों में किससे संबंधित है? लोकाई शब्द आदिवासियों में किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है भी? मृत्यु भोज से। आंसर लिख लो इसका, मृत्यु भोज, लोकाई शब्द है वो मृत्यु भोज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक बीन दो बीननी, एक बीन दो बीननी, एक बीन दो बीननी किसकी प्रमुख रचना है? एक बीन दो बीननी किसकी प्रमुख रचना है? एक बीन दो बीननी किसकी प्रमुख रचना है? तो आंसर लिखिए, श्रीलाल नथमल जोशी, श्रीलाल नथमल जोशी, श्रीलाल नथमल जोशी की रचना है एक बीन दो बीननी। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा में अड्डा वाटा किसे कहा जाता है? राजस्थानी भाषा में अड्डा वाटा किसे कहा जाता है? राजस्थानी भाषा में अड्डा वाटा किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं भाई अड्डा वाटा? अरावली पर्वत श्रृंखला को। आंसर लिखिए इसका, अरावली पर्वत श्रृंखला, अड्डा वाटा के नाम से अरावली पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा किस दिन होती है? खेजड़ी के वृक्ष की पूजा किस दिन होती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस दिन होती है? तो खेजड़ी के वृक्ष की पूजा कब करते हैं भी? हाँ, दशहरे के दिन, दशहरे के त्योहार को खेजड़ी के वृक्ष की और पूजा की जाती है, आशीवन शुक्ल दशमी को। दशहरा कब आता है? आशीवन शुक्ल दशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का वह संत, राजस्थान का वह संत जिसने नादिरसा के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, राजस्थान का वह संत जिसने नादिरसा के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, हाँ, तो इसका आंसर है चरणदास जी। चरणदास जी, नादिरसा के आक्रमण की दिल्ली लूट की भविष्यवाणी की थी, वो किसने की थी? चरणदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नीलकंठ महादेव का मंदिर कहां है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नीलकंठ महादेव का मंदिर कहां है? राजस्थान में नीलकंठ महादेव का मंदिर कहां है? तो नीलकंठ महादेव का मंदिर कहां पे अभी है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, राजस्थान में नीलकंठ महादेव का मंदिर कहां पे है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 16, राजपूताना विश्वविद्यालय की, राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई? राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई? तो राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई भी? आंसर लिखिए जयपुर। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? जयपुर में 8 जनवरी 1947 को राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना है वो जयपुर में 8 जनवरी 1947 को ही, जिसको आप आज राजस्थान यूनिवर्सिटी कहते हो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ है? राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ है? राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ पे है?
हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका सही जवाब होगा जालोर। राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहां पे है? जालोर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह कौन सा क्रांतिकारी था, राजस्थान का वह कौन सा क्रांतिकारी था जो जेल में भूख प्यास से मरा? राजस्थान का वह कौन सा क्रांतिकारी था जो जेल में भूख प्यास से मरा? तो इसका सही जवाब क्या होगा भी? बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा जेल में भूख प्यास से मरने वाला क्रांतिकारी था, वो कौन था? बाल मुकुंद बिस्सा। क्वेश्चन नंबर 19, पत्थर का विमान राजस्थान में कहां बना हुआ है? पत्थर का विमान राजस्थान में कहां बना हुआ है? पत्थर का विमान राजस्थान में कहां बना हुआ है? तो पत्थर का विमान, इसका सही जवाब क्या होगा भी? पुष्कर में। पत्थर का विमान कहां पे बना हुआ है? पुष्कर में, अजमेर में बना हुआ है पत्थर का विमान। राम बैकुंठ मंदिर है एक, वहां पे स्थित है, राम बैकुंठ मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कल्प वृक्ष, क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो सही जवाब क्या होगा भी इसका? खेजड़ी। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हुरडा सम्मेलन कब हुआ? ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस ने 14 और 15 जुलाई 2018 को एक पेपर में था भी, हुरडा सम्मेलन। हाँ, याद रखना इसको, हुरडा सम्मेलन कब हुआ? हुरडा सम्मेलन कब हुआ? तो हुरडा सम्मेलन कब हुआ था भाई? तो हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था और ये भीलवाड़ा में हुआ था। हुरडा कहां पे जगह? भीलवाड़ा में है हुरडा जगह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस देवी के मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती है? किस देवी के मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती है? तो दीपक की लौ से केसर टपकती है वो मंदिर कौन सा भी? आई माता का मंदिर। आई माता का मंदिर है ये बिलाड़ा जोधपुर में। तो दीपक की लौ से केसर टपकती है आई माता के मंदिर में। और इस मंदिर में गुर्जर जाति का विशेष ध्यान रखना भी, गुर्जर जाति का निषेध है इस मंदिर में, आई माता के मंदिर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे कबूतर किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 23, हरे कबूतर किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो हरे कबूतर कहां पाए जाते हैं भाई? हाँ, सरिस्का अभयारण्य अलवर में। हरे कबूतरों की जगह है वो कौन सी है? सरिस्का अभयारण्य है। और ये सरिस्का कहां पे भाई? अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो मारवाड़ का कुंभ ये किस मेले को कहते हैं भी? तो मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ है रुनेचा धाम, रामदेव जी का जो मेला लगता है रुनेचा में। तो रुनेचा जैसलमेर में जो रामदेव जी का मेला लगता है रुनेचा धाम, उसको रुनेचा मेला को क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है भाई, और अपना आकलन कर लेना सही सही से, और रोज इसको फॉलो किया करो भाई। और मैं बार बार कहता हूं, तैयारी किसी की भी कर लो, सारी चीजें मिलेंगी आपको, है ना, लेकिन बशर्ते आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में वह स्थान जहां रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था। राजस्थान का वह स्थान कौन सा है जहां रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था? तो मित्रों, ये क्वेश्चन आपके लिए कि रावण ने मंदोदरी से विवाह राजस्थान के किस जिले में, सॉरी किस स्थान पे किया था? तो आप इसका सही जवाब दोगे कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में, और इसको फॉलो करोगे, और रोज नए नए वीडियो आएंगे आपके लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू।